अमरोहा से खबर है जहां समाचार प्लस पर सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने लोकसभा चुनाव पर अपनी बातें कही हैं। विकास कार्यों के आधार पर टिकट देगी पार्टी, उन्होंने कहा है हमने अपने इलाके में कराए विकास के कार्य, हमने गांव गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई है, लोगों को मिला है सरकारी योजनाओं का लाभ। चौधरी कंवर सिंह तंवर ने ये बातें समाचार प्लस पर कही। देश में आम चुनाव आने ही वाले हैं, ऐसे में मौजूदा सांसद दोबारा पार्लियामेंट जाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर। चौधरी साहब, समाचार प्लस में आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी साहब, इस बार जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं, 2014 में अलग थी, 19 में अलग चुनौतियां हैं, तो ऐसे में सबसे पहली चुनौती तो टिकट की है। कई सारे नाम भी पिछले दिनों सामने आए के कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि बीजेपी कोई बड़ा चेहरा लेके आने वाली है, तो क्या उम्मीद है, उम्मीद ये करें कि आपको टिकट मिलेगा? पार्टी ने मेरा काम देखा है और मैं जो क्षेत्र में मैंने जो वक्त टाइम दिया है तो पार्टी को मालूम है, और टिकट की मैं चिंता करता नहीं, टिकट पार्टी मेरे को देगी। दूसरी बात, चुनाव जो अभी आप बोल रहे हो कठिन है, मेरे को नहीं लगता, मेरे को कठिन नहीं लगते, क्योंकि जहां आदमी काम करता है हर समाज में, तो वहां हर समाज के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और यहां चाहे बेशक कितना ही गठबंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जन जन तक जाता हूं, हर परिवार में, गरीब घर तक में मेरे संबंध हैं, जाने आने के दुख में सुख में, इसलिए लोग मेरे को ये पूरे क्षेत्र की जनता एक सब समझती है कि कौन यहां काम कर सकता है। चलिए, गठबंधन का भी आपसे सवाल करेंगे, आपने गठबंधन की बात की, अगर पार्लियामेंट की आपके बात करें जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, तो इसमें लगभग 2000 गांव हैं जी, 800 लगभग यहां प्रधान जो चुने जाते हैं, काफी बड़ा क्षेत्र है, 5 एमएलए हैं, तो किस तरह से आप ने पिछले 5 सालों में आपने कैसे मैनेजमेंट अपना किया, कैसे आप लोगों की चौखट तक पहुंचे? आपने अभी कहा कि मैं सारे लोगों से जुड़ा हूं, दुख सुख में सबके साथ खड़ा हूं, तो इतने बड़े एरिया में किस तरीके से आप दुख सुख में साथ खड़े हैं? एक्चुअली क्या है, मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी है, वो गांव गांव जाती है, और मैंने हर गांव में, हर पंचायत में वो एक मतलब हमारे संस्था से एक सेवक जुड़ा हुआ है, हर गांव में, हर पंचायत में, तो वो हम हमारे जो गांव में डिस्पेंसरियां जाती हैं, 6 डिस्पेंसरियां हमारी हैं, गांव गांव जाती हैं, तो उनसे हमारे अच्छे परिवार तक लगाव हो जाता है, दुख तकलीफ में वो हमारे पास आते हैं, कहीं हम उनको और भी कहीं जो काम होता है उनका जो मदद होती है हम पूरी करते हैं। विकास की बात करते हैं हम, पिछले 5 सालों में आप सांसद यहां रहे, सरकार भी बीजेपी की थी, बीजेपी से आप सांसद रहे, सिर्फ सड़कों की हम बात करें, सड़कों में आपने क्या कराया? जिस दिन मैंने 2014 में यहां जनता ने सेवक चुना मेरे को, मैंने उस दिन देखा था यहां बहुत बुरी हालत थी सड़कों की। आज हमारी सरकार ने मेरे को 390 किलोमीटर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से मेरे को सड़कें मिली हैं, 390 किलोमीटर। उसके बाद में मेरे को हमारे सीआर मतलब जो केंद्रीय सड़क निधि होती है, मैं अपने मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी मेरे को बहुत बड़ा काम दिया है। अमरोहा के चारों तरफ आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सड़क बनी है, 200 गांव का फायदा हुआ है, ऐसी गढ़ में बनी है, ब्रिज घाट से वहां के लिए बनी है, तो ये करीब 200 करोड़ रुपया मेरे को वहां से मिला जो मैंने यहां क्षेत्र में सड़कें बनवाई। तो सड़कों का तो इस बार शायद मैं कहना चाहता हूं देश की आजादी से लेकर के अब तक के सबसे ज्यादा सड़कों में काम हुआ है, और इतनी बड़ी इतने बड़े पैमाने पर इतनी सड़कें बनना, मैं कई सड़कों पर गया हूं जहां पर हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और गन्ने भरे हुए हैं, वो पिंचर हो गया तो 2 दिन तक तो रास्ता ही बंद हो जाता था। आज खुद लोग बोलते हैं कि एमपी साहब आपने जो रोड बनाई है हमारे ट्रैक्टर गन्ने के भागे चले जाते हैं। ये थे अमरोहा से बीजेपी के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिनका साफ कहना है कि वो 2019 की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जनता के बीच अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को और खुद के द्वारा किए हुए कामों को लेकर जाएंगे और दोबारा जीतकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे और दोबारा मोदी की ही सरकार बनाएंगे। खान के साथ मोहम्मद फहाद अमरोहा, समाचार प्लस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जाते जाते एक नजर मौसम के मिजाज पर। नमस्कार।